राजस्थान कांग्रेस में आज क्या होगा? क्या कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी? तमाम दिग्गज नेताओं की निगाहें आज दिल्ली की ओर टिक गई हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, नेताओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। सियासी गलियारों में सुबह से इस बात की चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट का क्या होगा, पायलट पर आलाकमान क्या फाइनल फैसला लेने वाला है। सीएम गहलोत भी दिल्ली लैंड कर चुके हैं, बैठकों का दौर जारी है। सीएम ने इशारों इशारों में ही संकेत दे दिए हैं कि पार्टी से ऊपर कोई नेता नहीं है और कोई नेता ये दबाव नहीं बना सकता है कि पार्टी में मुझे ये पद ही चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं रही है। एक फॉर्मूले की बात हो रही है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा कि किसी चीफ को बनेंगे सचिन पायलट, और जो सचिन वो है, जो अभी पीसी चीफ है, वो बन जाएंगे डिप्टी सीएम आपके। अलग अलग फॉर्मूले की बात चल रही है, क्या नेता कोई चीज मांगे मुझे मिल जाए या हाई कमांड उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे, ऐसा रिवाज कांग्रेस मैंने तो जिंदगी में देखा नहीं है। जितने आपके मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाई कमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी तो मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे, ऐसा आज तक ऐसी कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमांड बहुत मजबूत है, ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं है। सीएम गहलोत की बातों से ये तो साफ हो चुका है कि बैठक में किसकी चलने वाली है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव का मामला अब फाइनल दौर में है। किसे सह मिलेगी और किसको मात, ये तो देर शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात सह और मात से ऊपर उठकर राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आलाकमान का फाइनल फैसला जो भी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है।